हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो देखिए प्रेसिशन कैमशाफ्ट का है। और यहाँ पे बात करें तो हम लोग फंडामेंटल देखेंगे, इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट क्या है। और यहाँ पे देख बात किया जाए तो विजय केडिया जी ने क्यों इसमें जो है अपना स्टेक लिया है 10 लाख शेयर का, वो चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या खूबी है और इस चीज़ को हम जब जान जाएंगे और फंडामेंटली और टेक्निकल चीज़ों को जब समझ लेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि ये शेयर क्या वास्तव में हमें मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, तो देखिए यहाँ पे आपको अपर सर्किट 219 पे आप लोग क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। और बात करें इस शेयर को, तो देखिए इस शेयर को हमने बहुत पहले जो डिस्कस किया था और वहाँ पे बात करें तो ये जो शेयर है हमने जो है 14 मई को डिस्कस किया, अपलोड किया था मैंने। और 14 मई का यदि प्राइस देखें तो 14 मई को आपको प्राइस क्या था ये देखें तो आपको ये देखिए 11 मई को, और यहाँ पे भी एक अच्छा जंप देखने को मिला था 171 का। और हमने जो देखिए इसको कवरेज जो शुरू कर दी थी वो करीब करीब 147 के आसपास जो ये ब्रेकआउट था ना यहीं पे आपको शुरू कर दिया था। और फिर यहाँ से हमने बोला भी था कि ये शेयर जो है आपको 172 पे मैंने बना के दिया था। तो यहाँ से ये नीचे के लेवल पर जो बात करें तो 147 150 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। और सपोर्ट को देखिए इसने लिया और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट अगेन जो है देखिए आपको मिला जून में। और जून के बाद देखिए तो हाई कितना मिला आपको, हर महीने एक हाई मिलता है, फिर देखें जून में भी आपको एक हाई मिला यहाँ पे करीब करीब 200 लेवल का। और 200 के फिर पे क्या किया रेजिस्टेंस लिया, और जो पिछला रेजिस्टेंस था क्लोजिंग बेसिस पे उसी को क्या कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया 176 का। और ये शेयर जो है वहाँ से अगेन जो है आप देखिए फिर से इसको जब टच कर लिया, इसका कंसोलिडेशन पूरा हो गया और फिर अचानक देखा जाए तो गैप अप ओपनिंग किया और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो गैप अप कितना हुआ ये देखा जाए तो यहाँ पे 189 पे इसने गैप अप किया, और इस गैप अप के बाद जो है तो ये ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि क्या स्टॉप लॉस रखेंगे, मैं बताता हूँ। उसके पहले देखें थोड़ा सा 5 साल के चार्ट पे, तो आपको चार्ट पे क्या दिखाई देता है वो चीज़ें समझना जरूरी है कि कितना रिटर्न इसने पास्ट में दिया है, मल्टीपल रिटर्न दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो वो चीज़ें समझें। तो यहाँ पर देखें तो आपको 2018 में देखिए 84 का भाव हुआ करता था, तो शेयर देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी आपको 3 टाइम्स का रिटर्न लगभग दे रहा है। और लेकिन यहाँ पर बात करें तो नीचे के लेवल देखने को मिले थे 2020 मार्च में, वो था 22 रुपये का। और 22 रुपये के बाद देखिए तो ये शेयर जो है अगेन कोविड के बाद देखें तो मई में उसने शुरुआत जो पकड़ी तो फिर इसने जो है अपना लेवल तोड़ा, जो कि प्रीवियस हाई था वो कहाँ था ये करीब करीब 83 पे इसको तोड़ा, तो फिर इसी को सपोर्ट बनाया और हाई लगाया इसने 109 का। और अगेन देखें तो 109 पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला, और ये शेयर जो है आपको देखें तो दिसंबर में इसने हाई लगाया कितना 181 का। और यही लेवल था जहाँ पे हमने आपको ये बताया था कि देखिए ये जो लेवल है ना ये आपका हाई क्लोजिंग यहाँ कर रहा है, तो यहाँ पे अब ये निकलता है तो ये 5 साल के हाई को तोड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसने 5 साल के हाई को तोड़ा मई में, और मई के बाद देखिए जून में भी आपको यहाँ से 50 देखे तो 25 25 लगभग 50 रुपये का अप मूव इसने अभी दे दिया है। जो 50 रुपये का अप मूव देखे ना तो आपको करीब करीब यहाँ पे आपको 25 to 30% का रिटर्न जो है आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर नीचे के लेवल देखें तो यहाँ पे आप देखें तो 95 का एक अच्छा सपोर्ट इसने बना लिया है, जो कि प्रीवियस देखें तो यहाँ पे आपको 82 के आसपास एक जो है आपका सपोर्ट था। उसके पहले देखें तो एक हाई था जहाँ रेजिस्टेंस था, तो वो लेवल जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगेन देखें तो नियर बाई आपका सपोर्ट 144 के आसपास आपको दिखाई देता है, फिर 144 के बाद जो है आपको करीब करीब देखें तो ये लेवल 176 के आसपास, और इसके बाद आपको 186 के आसपास आपको सपोर्ट ढूंढना चाहिए। अब यहाँ से क्या प्राइस मिल सकता है और क्यों इसमें जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए इसमें यदि बात करें कंपनी का प्रेसिशन ग्रुप का, तो देखिए वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है ये प्रोवाइड करती है मैकेनाइज्ड कंपोनेंट इंक्लूडिंग कैमशाफ्ट बैलेंस शाफ्ट और इंजेक्टर। इसके बाद देखा जाए तो इसने कंप्लीट किया है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन का। तो यहाँ पर देखें तो पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हैवी इक्विपमेंट के लिए, और यहाँ पे लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी ये क्या कर रही है ये सपोर्ट तैयार कर रही है। तो यहाँ पर देखिए न्यू प्रोडक्ट और बिजनेसेस की बात करें तो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है बिजनेस अपना फैलाने की कोशिश की है। देखिए कंपनी हैज एक्टिव स्टार्टेड डेवलपमेंट वैलिडेशन एंड सप्लाई ऑफ न्यू कॉम्पोनेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स अपार्ट फ्रॉम द कैमशाफ्ट। तो जो कैमशाफ्ट का इनका बिजनेस का उसके बाद जो है न्यू कंपोनेंट बना रहे हैं और फॉर कस्टमर हु आर पावर ट्रेन एग्नोस्टिक एंड दैट इज नॉट डिपेंडेंट इन आईसी।
और यहाँ पे बात करें तो कंपनी जो है डेवलप कर रही है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, ये चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए कंपनी जो है नॉन ऑटोमेटिव बिजनेस में भी आपका देखा जाए तो वेरियस कस्टमर हैं इंडिया और ओवरसीज में, और यहाँ पे देखा जाए तो उनका जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छा जो है कमिंग ईयर में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे रेट्रोफिटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 30% रिवेन्यू जो है यहीं से आता है, और दूसरा जो है ईमॉस और ओईएम सप्लाई से यहाँ पे 70% आता है। सब्सिडरी की बात करें तो इनका जो सब्सिडरी है वो कौन है, मैमको है, जो कि इसकी कंपनी का ग्रुप सब्सिडरी है। और इसका देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है टोटल इनकम में मैमको का, तो ये काफ़ी इंक्रीजिंग है। और यहीं पर बात करें कंपनी जो है ई मोबिलिटी सब्सिडी एमोस बेस्ड इन द नीदरलैंड, तो ये नीदरलैंड में है, यूरोपियन कंट्रीज में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ईमॉस हैज़ बीन रेप्लिकेटेड, तो जो टेक्नोलॉजी इनका नीदरलैंड में है उसी को रेप्लिकेट करके इंडिया में भी शुरू कर रहे हैं। और कंपोनेंट बट चेंज हैव बीन मेड टू कंपोनेंट सिलेक्शन एंड पावर ट्रेन इंजीनियरिंग टू सूट इंडियन कंडीशन। और यहीं पे बात करें प्रेसिशन कैमशाफ्ट लिमिटेड हैज एडेड सेकेंड प्लांट, यहाँ पे सेकेंड प्लांट बनाना है एमोस का, एंड प्लान टू कंटिन्यू स्केलिंग अप द बिजनेस एंड डिमांड ऑफ पिकअप जैसा जैसा पिकअप होगा। इसके साथ साथ इन्होंने जो है देखिए यहाँ पे कैपेक्स की बात करें तो कैपेक्स में देखें तो इन्होंने स्पेंड किया 70 से 80 करोड़ का, जिसमें से 7 करोड़ का देखा जाए ईवी फैसिलिटी जो सोलापुर में है उसको एक्सटेंड किया है, जो कि पहले से उनका जो प्लांट था उसी में किया है। और यहाँ पर बात करें कंपनी जो है स्पेंड किया कितना 50 करोड़ और यहाँ कैपेक्स के लिए, और 5 करोड़ जो है मेमको के लिए। ओवरसीज कैपेक्स में देखा जाए 30 करोड़ इन्होंने खर्चा किया है, और न्यू पावर प्लांट के लिए 25% ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग पावर रिक्वायरमेंट आर सेव एनआर 1 करोड़, लगभग जो है 1 करोड़ सेव करता है, 1.5 करोड़ पर मंथ जो है इनका सेव हो जाता है। बात करें गाइडलाइंस का तो आने वाले समय में इनका जो गाइडलाइंस था तो उसमें ये बोल रहे हैं कंपनी होप टू रोल आउट द फर्स्ट व्हीकल इन Q2, तो जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है या वो उसमें बात करें जो ईवी सेगमेंट का बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट व्हीकल जो है Q2 में ये लॉन्च कर देंगे। बट द टाइमलाइन हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय द सप्लाई गोइंग ऑन, तो यहाँ थोड़ा टाइमलाइन हो सकता है। और यहाँ भी बात करें सस्टेनेबल मार्जिन जो है इनका कैमशाफ्ट का बिजनेस का जो है 20 से 22% का है। और यहीं पर कंपनी का जो है स्ट्रॉन्ग ओएम पार्टनर्स इन यूरोप एंड सॉलिड ऑर्डर बुक है इनके पास ईयर एंड नेक्स्ट ईयर के लिए, बिल्डिंग आउट फॉर द 2025 के लिए अच्छा खासा इनके पास ऑर्डर बुक है। कंपनी जो है कंसिडर कर रही है रियलाइजिंग द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जो कि मतलब वहाँ पर जो आप बताएंगे ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है ये शेयर के लिए। और यही वजह है कि इसमें जो है बड़े जो इन्वेस्टर हैं इसमें पैसा लगा रहे हैं, दांव खेल रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक का पीई देखें तो आपको बहुत ही कम दिखाई देता है, स्टॉक 45.4 पर दिखाई देता है, जबकि इंडस्ट्री 29 बस थोड़ा प्रीमियम पर दिखाई देता है। आरओई देखें कम है 0.65 का, लेकिन बुक वैल्यू ठीक ठाक है 2.9 के मल्टीपल पर बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो आरओई का ग्रोथ जो है वो भी कम है, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या ये बढ़ते हुए क्रम में ईपीएस भी मुझे कम दिखाई देता है, पॉजिटिव ईपीएस है। अब बात करें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट का, तो देखिए रिजल्ट इनका काफ़ी अच्छा, सेल्स और मार्जिन देखें तो थोड़ा सा देखा जाए तो जो पिछला क्वार्टर में था सेम टू सेम रिपीट हुआ। और उसके बाद देखें तो यहाँ पे जो है ईपीएस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, यदि साल दर साल की बात करें तो यहाँ पे ईपीएस में थोड़ा सा जंप देखने को मिला है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया ड्यू टू द ऑपरेटिंग मार्जिन। और यहीं पर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल के मुकाबले ठीक ठाक सेम टू सेम देखने को मिला, तो यहाँ पे ये कहीं नहीं कहीं है कि आने वाले समय में अच्छा ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि इनका देखा जाए तो आपका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा 80% का चल रहा है, और सेल्स ग्रोथ भी 21% का, जो कि ऑल एवरेजेस के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज़ है काफ़ी अच्छा है, ये भी सेगमेंट में आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऐसा मुझे लगता है। और टेक्निकल चार्ट पे देखें तो यहाँ पे आपको एक चूंकि 52 वीक हाई पे चल रहा है तो यहाँ से हो सकता है नए हाई लगाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक बार इसको क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जो भी मैंने बोले हैं हो सकते जो भी आप यहाँ पे अवेलेबल थे मीडिया में पब्लिक डोमेन में वो सारी चीज़ों को लेते हुए मैंने बोला है, तो कहीं भी त्रुटि रह जाए तो आप उसको करेक्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।